प्रॉब्लम फोर देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी किसी प्लैनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रहा है। बेसिक थ्योरी बोला है इसने, तीन बार पढ़ना है ए बी और सी पे, और के ए के बी और के सी के टर्म्स हैं। ए सी को इसने यहाँ पर मेजर बोल दिया है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, हमें कंपेरिजन करना है। तो बच्चों ये दो पॉइंट्स होते हैं, सबसे दूर वाले को अपन लिखते हैं एपोजी, और यहाँ हो जाता है बच्चों पेरिजी। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है, तो यहां हो जाएगा आर ऑफ सी कर लो इसको, ठीक है, और ये डिस्टेंस को बच्चों आर ऑफ ए कर लो। ये इन बिटवीन ही होना चाहिए, तो ये आर ऑफ बी कहलाएगा। आपके हिसाब से आर ऑफ सी ज्यादा होगा आर ऑफ बी के, और वो ज्यादा होगा आर ऑफ ए के, ये याद करके रखते थे, ठीक है। बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो सबको पता होता है इस चैप्टर में, पूरे ग्रेविटी में एंगुलर मोमेंटम कभी भी कंजर्व हो सकता है, मतलब ए पे बी पे सी पे सब पे सेम होगा। तो एल एट ए, पूरा प्रूफ नहीं करना है इसको, एल एट बी और ये हो जाएगा एल एट सी, इसको कहते हैं बच्चों एम वी आर। तीनों के लिए सेम होगा, मास तो कॉमन सब जगह पे सेम आएगा। तो इसको देखो, आप लिख सकते हो यहाँ से वी आर कितना आया, ये आ गया कॉन्स्टेंट, यहाँ से मिल रहा अपन को वी इन्वर्स में जा रहा है आर के, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना, रोटेशन चैप्टर नहीं चल रहा है ये, यहाँ पे वी इन्वर्स में आ रहा है आर के, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 m वी स्क्वायर को अपन वी वेक्टर, और वी वेक्टर लिखते हैं बेसिकली ये क्या है, स्पीड का टर्म ही तो है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, वी स्क्वायर के, और वी यहाँ पे किसके जा रहा है, इनवर्स में जा रहा है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी सी सबसे कम होगी काइनेटिक एनर्जी बी से, और वो कम होगा किससे, ए से। मतलब क्या है, जो जितना दूर चल रहा होगा उतना ही स्लो चल रहा होगा, और ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा होगा। हम पढ़ते भी हैं कि जितना ये समर्स में आएगा पास में अपने प्लैनेट, वो बहुत ज्यादा तेज चल रहा होता है, ठीक है। तो सी पे सबसे कम होना चाहिए, फिर है बी पे, और ए पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शंस मैच करते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी ए पे ज्यादा है बी से, और बी की ज्यादा है सी से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही निकल के आ रहा है। बच्चों इस पे ध्यान देना, ये गड़बड़ करता है बच्चा। ये देखो, इन तीनों लाइन को देखो, समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन 3 अपना सही जाएगा।